हेलो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस भारत में इतनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, उसको देखते हुए केरला भारत का ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने स्टेट कैलेमिटी डिक्लेयर कर दी है। जी हाँ, केरल में किया सरकार ने राज्य आपदा का ऐलान और साथ ही हॉस्पिटल एम्प्लॉइज की सब छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जहां दो दिन पहले कोरोना वायरस से पीड़ित सिर्फ एक पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुआ था, अब वो नंबर बढ़ के 3 हो गया है। उसके साथ ही 2000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन में रखे उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली चाइना से ट्रैवल किया है। इंडिया ने चाइना में रहने वाले अपने सभी नागरिकों को एयरलिफ्ट कर लिया है और उन सभी नागरिकों को वेस्ट दिल्ली के ITBP कैंप में रखा गया है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसकी चपेट में धीरे धीरे पूरी दुनिया आती जा रही है। चाइना में अभी तक 362 लोग इस वायरस को लेकर अपनी जान खो चुके हैं और 17,205 लोग ऐसे हैं जिनको ये वायरस अफेक्ट कर चुका है और उनका इलाज चल रहा है। और आपको मैं एक बार और बता दूं कि ये वायरस वो है जो जानवरों से इंसानों में आया है और अब इंसान टू इंसान ये ट्रांसमिट हो रहा है। कोरोना वायरस की अवेयरनेस वीडियो सीरीज में मैं 5 से ज्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप कोरोना वायरस को एंड टू एंड समझना चाहते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे ये चमगादड़ से इंसानों में आया, 2003 में फैले SARS के मुकाबले में कितना खतरनाक है, WHO ने इसके ऊपर क्या कदम उठाए हैं, इसके क्या लक्षण हैं और किससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या ये इंडिया में महामारी का रूप ले सकता है, इन्हीं सभी जानकारी के लिए आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप भी इस अवेयरनेस फैलाने की मुहिम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जो फैले हुए र्यूमर्स हैं उन पर ध्यान ना देकर कोरोना वायरस के भयवे रूप को समझें और अपना ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों के कोरोना वायरस को लेकर सवाल हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, जो आप सबने मेरे पिछले वीडियोस में मुझसे कमेंट करके पूछे हैं। मैंने आपको वहाँ जवाब दिया है, हालांकि मुझे ये लगता है कि इस तरीके के सवाल और भी बहुत ज़्यादा लोगों के हैं जिनका जवाब हमें देना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं बस उन्हीं क्वेश्चंस के आपको जवाब दूंगी। मैंने यहाँ कोशिश करी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाऊँ। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो आई एम वेरी सॉरी, मैं कोशिश करूँगी कि अपनी अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन को ज़रूर इंक्लूड करूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला सवाल है अमित कुमार अग्रवाल का, वो पूछ रहे हैं कि मैम, जो 324 इंडियंस को चाइना से इंडिया लाए हैं वो हमारे अलवर सिटी में लाने की बात हो रही है, तो इनके आने से अलवर सिटी में वायरस स्प्रेड हो सकता है क्या? इसके लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के वुहान शहर से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट किया है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं और उनको वेस्ट दिल्ली के ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस चावला कैंप में रखा गया है। घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अभी उन सभी लोगों के टेस्ट होंगे और उनको सेफ डिक्लेयर होने के बाद ही रिहा किया जाएगा, उससे पहले उन सभी को आइसोलेशन में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाइट्स गेमिंग का, वो पूछ रहे हैं इफ़ अ इन्फेक्टेड पर्सन टच एनी फूड मटीरियल वेज और नॉन वेज एंड आई एट दोज फूड देन वायरस ट्रांसमिटेड टू मी एंड वॉट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वायरस। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 14 दिन। इसका मतलब कोरोना वायरस के सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको देखने में 2 से 14 दिन लग सकते हैं। अगर आपको चाइना या अफेक्टेड कंट्री से ट्रैवल करें 14 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और आपको सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, इसका मतलब ये है कि वो वायरस डेड हो चुका है। और रही बात अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के छुए हुए खाने को आप खाओ, तो हाँ मेरे हिसाब से चांसेस हो सकते हैं कि वायरस आपको आ जाए, तो आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगले क्वेश्चंस जो आए हैं वो आए हैं मास्क को लेकर। GSM लामा का पूछना है N97 मास्क क्या सेफ है? पॉलिटिकल इंडिया पूछ रहे हैं मास्क के बारे में बताएं, किस प्रकार के मास्क सही हैं सेफ्टी के लिए? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप इसके लिए सर्जिकल मास्क यूज़ ना करें, वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को नहीं रोकता। स्टार्टिंग फ्रॉम N95, N97 एंड N99 आप यूज़ कर सकते हैं। 95, 97, 99 ये नंबर्स यही बताते हैं कि ये मास्क कितने परसेंट PM को ब्लॉक कर सकता है। PM का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर, क्योंकि कोरोना वायरस एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं उन लोगों को तो मास्क ज़रूर पहनना ही चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो हमें सर्जिकल मास्क इसलिए पहनना चाहिए ताकि हम अपने हाथों को डायरेक्टली अपनी नोज़ या माउथ को टच ना कर सकें। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं मास्क के यूसेज को लेकर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है राम स्वरूप राणा का। वो पूछ रहे हैं, मैम जो यूट्यूब पे कोरोना वायरस को लेकर कुछ हाथ के अजीब पिक दिखा रहे हैं, क्या वो पिक सही है? उसको देखकर बहुत डर लगता है। इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि आप अवेयरनेस रखें और जो र्यूमर्स फैल रहे हैं उनको ट्रस्ट ना करें। ये सब सिर्फ डर फैलाने के लिए किया जा रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन पे आप ट्रस्ट करें वो रिलायबल सोर्स से आए। ऐसे ही किसी भी वीडियो पे या फिर कोई भी कंटेंट वायरल हो रहा है उस पे ट्रस्ट ना करें। और ये फोटो बिल्कुल फेक है, कोरोना वायरस के ऐसे बिल्कुल भी लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है मयूर महर का। उनका कहना है कि थैंक यू फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स मैम, बट माई क्वेश्चन इज कि ये कोरोना वायरस इंसान की बॉडी को कितने दिन में डैमेज करता है? तो मयूर, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 14 दिन। ये ज़्यादा खतरनाक बात इसलिए है क्योंकि जब तक हमारी बॉडी इस वायरस के सिम्टम्स को शो करना शुरू करती है, वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर चुका होता है। पर अगर इनिशियल स्टेजेस पे हम मेडिकल एड सीक कर लें तो हम इससे बच सकते हैं। चाइना में अब तक 500 लोगों को सेव किया जा चुका है जिनको इस वायरस ने इन्फेक्ट किया था। अगला क्वेश्चन है गुरप्रीत सिंह का। वो ये कह रहे हैं कि वायरस हैजंट स्प्रेडेड मच येट इन इंडिया, बट बिफोर इट स्प्रेड्स प्रिवेंटिव मेजर्स नीड टू बी टेकन एज मच एज पॉसिबल बिकॉज आई एम सीइंग द करंट गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग ऑन दिस इशू। देर इज समथिंग नीड्स टू बी टेकन वेरी सीरियसली। प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स नीड टू बी टेकन एज फास्ट एज पॉसिबल, अदरवाइज मिलियंस विल गेट अफेक्टेड। गुरप्रीत, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि इसके फैलने से पहले ही हमें इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इसके फैलने के बाद इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर हमारी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छे एक्शंस ले रही है। एयरपोर्ट पे 35,000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और इंडिया से 2 फ्लाइट चाइना भेजी गई है अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए, यानी कि उनको इवैक्यूएट यानी कि एयरलिफ्ट किया गया है और उनको वापस इंडिया में लाया गया है। यहाँ आते ही उनका टेस्ट हुआ है। अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आएगा तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा और अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो उनके ऊपर इलाज किया जाएगा और उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो उनमें से एक मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्रियंका राव पूछ रही हैं, मैम मैं दिल्ली बदरपुर से हूँ, मुझे भी जुकाम, गले में दर्द है, सर में दर्द है, तो क्या डॉक्टर को दिखाना चाहिए? ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं राजकुमार गौतम, सिरोन एंटरटेनमेंट एंड अमित रंजन। तो इन सब के लिए मैं यही आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आपको कोरोना वायरस होने का डर सिर्फ इसलिए होगा अगर आपने चाइना ट्रैवल किया है या फिर चाइना में ट्रैवल करने वाले किसी इंसान के आप पर्सनल कॉन्टैक्ट में आए हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती है तो आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने का डर नहीं है। ये सिर्फ आपको सीजनल खांसी जुकाम है, तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि पास के क्लिनिक में जाके आप अपना इलाज करवाएं। और जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट अवेयरनेस के लिए फैला रही है या जो भी प्रिकॉशंस सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं उनको आप फॉलो करें और अपना ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है गुरदीप सिंह का। उनका पूछना है कि मैम मैंने चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडियन ऑनलाइन स्टोर से मंगवाए थे, क्या उससे भी वायरस आ सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब मैं अपनी पिछली वीडियो में भी दे चुकी हूँ और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि हम चाइना से यूजुअली बहुत सारा सामान मंगवाते रहते हैं। तो जो ये कोरोना वायरस है ये पहले एनिमल से इंसानों में आया और अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है। प्रोडक्ट्स मंगवाने से ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, तो आप बहुत ही आराम से अपने प्रोडक्ट्स को बिना घबराए मंगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राइडर रेडी का। वो पूछ रहे हैं, आप कौन सी गारंटी से बोलते हैं कि बिना चाइना जाने वालों को वायरस अटैक नहीं हुआ है करके? अगर अटैक हुआ है तो क्या करें? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वायरस चाइना को छोड़कर अभी बाहर नहीं मिला है और ये वायरस चाइना में चमगादड़ या फिर स्नेक्स जैसे जंगली जानवरों को खाने से इंसानों में आया है। और दुनिया भर में जितने भी केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं उन्होंने चाइना ट्रैवल पिछले 1 महीने में किया था। अगला क्वेश्चन है जनरल डी का। वो कहते हैं, आई डोंट बिलीव दैट कोरोना वायरस विल बी एबल टू स्प्रेड इन इंडिया। इनका कहना है कि इंडिया में नहीं फैलेगा, पर दुख की बात तो ये है कि इनके किसी के मानने से ये फैलेगा या नहीं फैलेगा डिसाइड नहीं होता है। हम सबको जागरूक रहना चाहिए और दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आ रहे हैं। इंडिया तक में 3 केस 3 फरवरी तक सामने आ चुके हैं। तो आप सभी प्रिकॉशंस रखें, अपना ध्यान रखें और अवेयर रहें इस कोरोना वायरस को लेकर। तो गाइज़, ये था मेरा आज का Q&A।
अगर आपको Q&A थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं मैं आपका आंसर करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं अपनी अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन को ज़रूर लूँगी। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहें आशिमास किचन। अपना और अपने का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें। स्प्रेड दिस वीडियो इफ यू केयर फॉर ह्यूमन लाइफ।